Hey there, this is Mr. Kish and welcome to my channel Mr. Kish on the go. Hope you guys are doing absolutely fine. So आज इस वीडियो में मैं एक छोटा सा अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ. आज मैं अनबॉक्सिंग करूँगा एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर का. इससे पहले मैं इस चैनल पर मीबी का जो तीन ब्लूटूथ स्पीकर आता है, मीबी रोम, मीबी ऑक्टेव एंड मीबी मूनस्टोन, मैं इन तीनों का अनबॉक्सिंग किया था. उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. लेकिन ये जो स्पीकर अभी जो मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ वो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्पीकर अवेलेबल इन द मार्केट है. सो आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ जो JBL Infinity का जो फ्यूज पिंट है वो पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर में अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ. आप देख ही सकते हैं बहुत ही कॉम्पैक्ट छोटा सा बॉक्स में ये आता है. मेरे हाथ से भी हाफ ऑफ माय पाम इसका साइज है. तो इसका अनबॉक्सिंग हम करेंगे, स्पीकर को देखेंगे और इसका एक साउंड टेस्टिंग भी करेंगे. सो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो. So this is the box pack of the speaker. As you can see, this is the box pack of the JBL Infinity by Harman Fuse Pinch Speaker. ये Harman का speaker है. So this is the compact and small, very small box pack. So यहाँ पर कुछ specification mention किया हुआ है. इसमें ये आता है deep bass sound के साथ और dual equalizer solution के साथ. ये ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है इस स्पीकर पर. और ये 2.5 वाट का स्पीकर है. बहुत ही छोटा कॉम्पैक्ट ब्लूटूथ स्पीकर है. तो चलिए इस बॉक्स को ओपन करके देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलता है. तो हमें मिलता है एक यूज़र मैनुअल. एक चार्जिंग केबल, नॉर्मल माइक्रो USB 2.0 केबल. और ये रहा फाइनल कंटेंट जो कि है स्पीकर. सो ये रहा वो स्पीकर. एज यू कैन सी मुट्ठी में आ जाता है. बहुत ही छोटा स्पीकर है. सो दिस इज द स्पीकर. एज यू कैन सी वेरी स्मॉल, वेरी कॉम्पैक्ट, लाइट वेट एक स्पीकर है. सो इसके ऊपर जो एक मेश जैसा फैब्रिक है बहुत ही प्लास्टिक का बना है, बट बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सॉलिड है. एक सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है. यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन LED इंडिकेटर देखने को मिलता है और एक लैनियर लगाने का जो होल होता है वो है. और यहाँ पर पीछे एक USB 2.0 पोर्ट है इसे चार्ज करने के लिए. और इसके पीछे एक ही बटन है जिस बटन के हेल्प से आप इसे ऑन ऑफ, गाना प्ले पॉज एंड डबल टैप करके इससे आप गूगल असिस्टेंट या सीरी इसको आप एक्टिव कर सकते हैं. और इसे ट्रिपल टैप करने से ये नॉर्मल मोड और डीप बेस मोड में ये चेंज होता है. सो ये दोनों का ही मैं एक ऑडियो रिव्यू दूंगा इस प्रोडक्ट का. सो चलिए इसका एक क्लोजर लुक देख लेते हैं. तो चलिए अभी स्पीकर को ऑन करते हैं और मोबाइल के साथ कनेक्ट करके देखते हैं इसका साउंड आउटपुट कैसा है. सो इसे पावर ऑन करने के लिए आपको इसके पीछे के भाग में जो छोटा सा बटन है दिया हुआ है, इस बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना पड़ेगा फॉर अराउंड 3 सेकेंड्स. सो इट सेज पावर ऑन. सो अभी इसे पेयर करना पड़ेगा अपने फ़ोन के साथ. सो लेट्स सर्च फॉर द स्पीकर. रेडी टू पेयर. Go to the pairing menu on your device. Connected. So, जैसे कि आप देख ही सकते हैं हमने यहाँ पर ये कनेक्ट कर लिया है. यहाँ पर देखा रहा है इन्फिनिटी फ्यूज पिंट. सो ये कनेक्टेड हो गया है. ये वॉइस कमांड भी दे रहा है कनेक्टेड. सो चलिए अभी एक NCS का सॉन्ग प्ले करते हैं और देख लेते हैं इसका साउंड आउटपुट कैसा है.
सो अभी इसमें म्यूजिक प्ले करके देखते हैं ये साउंड आउटपुट कैसा है। सो अभी ये 70% वॉल्यूम पर है नॉर्मल मोड। अभी 100% वॉल्यूम पर देखे देखते हैं कैसे साउंड आउटपुट है। तो अभी ये नॉर्मल मोड पर 100% वॉल्यूम पर ये चल रहा है। नाउ डीप बेस मोड। इसका डीप बेस मोड। सिंगल टैप टू प्ले एंड पॉज द सॉन्ग। पॉज प्ले। सो एज यू सॉ दिस इज द इन्फिनिटी फ्यूज पिंट स्पीकर। सो ये आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड स्मॉल पोर्टेबल स्पीकर अवेलेबल इन द मार्केट, क्योंकि 2.5 वाट का है बट इसका जो साउंड आउटपुट है बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही बढ़िया साउंड आउटपुट है विथ डीप बेस मोड। ये छोटा थोड़ा थोड़ा बेस भी प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा बेस नहीं है, डोंट एक्सपेक्ट ह्यूज बेस थम्पिंग बेस फ्रॉम दिस स्पीकर, बट इसका जो बेस है वो डिसेंट है। और विदाउट जो नॉर्मल मोड है विदाउट डीप बेस मोड इसमें ट्रेबल ज़्यादा है बेस कम है, बट इसका जो साउंड आउटपुट है बहुत ही बढ़िया है। बहुत सारे आपको इसका प्राइस है ओनली 799 रुपीज़ अमेजोन पर आपको मिल जाएगा। मैं इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप काइंडली चेक कर लीजिए। एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर यू कैन बाय अंडर 1000 रुपीज़। ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही पोर्टेबल है और इसका जो साउंड आउटपुट है बहुत ही बढ़िया है। सो इजीली आप इसे कैरी कर सकते हैं और कहीं पर भी इसे बजा सकते हैं। मेरे पास जो मीबी का जो रोम स्पीकर था, जो 5 वाट का स्पीकर था, आई थिंक उससे इसका साउंड बेटर है। ऑब्वियसली ये इन्फिनिटी हरमान का कंपनी है, ये JBL का है, सब ब्रांड है। सो इसका साउंड अच्छा होगा ही, क्योंकि JBL का साउंड भी बहुत ही बढ़िया है। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाई ऑफ 2020। मेरा जो 2020 का जो स्पीकर कलेक्शन है उसमें ये बेस्ट स्पीकर है, वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्मॉल वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्पीकर एंड ये बहुत ही पोर्टेबल है, इजी टू कैरी है, हल्का है, लाइट वेट है और इसका साउंड आउटपुट भी बहुत ही ईयर सूदिंग है, आप कह सकते हैं बहुत ही बढ़िया साउंड आउटपुट है। सो अभी से तो मैं ये स्पीकर यूज़ करूँगा और इसका बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, रेड, ग्रीन, ब्लू और ये ब्लैक वाला। सो ये ब्लैक वाला 749 रुपीज़ में से ऑफर पर चल रहा था, तब मैंने ये उठा लिया। सो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन लिंक, वहाँ पर आपको ऑफर मिल भी सकती है। सो आप काइंडली चेक कर लीजिए, जल्दी से जल्दी चेक कर लीजिए। एंड या सो दिस इज़ अ स्मॉल एंड फन रिव्यू ऑफ दिस इन्फिनिटी फ्यूज पिंट जो ब्लूज स्पीकर है उसका एक छोटा सा रिव्यू। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसका जो जो नेक्स्ट जो वर्शन है इन्फिनिटी फ्यूज 100 उसे भी मैंने ऑर्डर किया है जस्ट टू चेक विच वन इज़ बेटर। सो वो आने पर भी एक नया वीडियो आएगा उसके बारे में, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड प्लीज़ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। और मेरा जो नया मोटरसाइकिल है TVS Radeon उसका एक बहुत ही बढ़िया रिव्यू आने वाला है, फॉर स्टे ट्यून दैट। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट योर थॉट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड एज ऑलवेज यहाँ पर ही मैं वीडियो एंड करता हूँ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्प्रेड लव एंड पीस, बाय बाय।